या कुंदेन्दु तुषार हार धवला या शुभ्र वस्त्रावृता या वीणावर दंड मंडित करा या श्वेत पद्मासना या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृति भिर्देवै सदा वंदिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निशेष जाड़ापहा साधना जब खुद को साध लेती है तो उसकी खुशबू जमीन और आसमान पे छा जाती है और संगीत जीवन में वो मंदिर है जिसमें आत्मा ईश्वर को मिलने के लिए बेचैन हो जाती है। मधुर स्वर इंसान के जीवन में कुदरत का दिया गया वो वरदान है जो बहुत कम लोगों को मिलता है और उन्हीं बहुत कम लोगों में से एक हैं पंडित जसराज। जसराज यानी यश के राजा, जिन्होंने अपनी संगीत की साधना से अपने आप को संगीत मारदंड कहलवाया है। शास्त्रीय संगीत के मेवाती घराने की परंपरा को कायम रखने वाले पंडित जसराज को स्वर सम्राट कहना ज्यादा उचित होगा। भारत सरकार ने उन्हें हाल ही में पद्म भूषण की पदवी से भी सम्मानित किया है। पंडित जसराज ने संगीत का सूर्य बनकर विदेश में भी भारतीय संगीत की किरणों से रोशनी फैलाई है और सारा भारतवर्ष उन पर गर्व करता है। पात्र पठन पब संत सुपात्र पठन पब संत संगीत प्रेमियों ने पंडित जसराज जी को उनके 60वें जन्मदिन पर उन्हें बंबई से पुनः आमंत्रित किया, जहां देश के कई महान कलाकारों ने भी आकर उन्हें बधाई दी। इसी अवसर पर भारत सरकार ने जसराज जी के नाम डाक टिकट भी जारी किए। Thank you.
पंडित जी का जन्म एक ऐसे साधन संपन्न संगीतकार के परिवार में हुआ था, जहां सूर्य की पहले किरण का स्वागत संगीत की स्वर लहरी से होता था। इनके पिता पंडित मोतीराम जी की नियुक्ति महाराजा कश्मीर के विशेष निजी गायक के रूप में हुई थी। कुछ समय पश्चात मोतीराम जी हैदराबाद में जा बसे और देखते ही देखते पंडित मोतीराम जी का यश दोपहरी सूर्य की तरह पुखर होता चला गया। स्टेट ने निर्णय लिया पंडित मोतीराम जी को राज गायक के पद पर नियुक्त किया जाए, किंतु मोरे मन कुछ और है विधना के कुछ और। आकस्मिक मृत्यु के क्रूर हाथ पंडित मोतीराम जी को छीन ले गए। बालक जसराज उस समय केवल 4 वर्ष के थे। पिता की मृत्यु से परिवार में इतनी परेशानियां आई कि मेरा नाम स्कूल से कब कट गया पता ही नहीं चला। घर वालों को पता चला तो सिर्फ इतना कि जसराज तबले पे कुछ उल्टा सीधा हाथ मारता है, और इस तरह मेरे मझले भ्राता पंडित प्रताप नारायण जी ने बागडोर अपने हाथ में संभाली और मुझे तबले की विधिवत तालीम लेना शुरू किया। ये मेरे बड़े भाई साहब पूज्य पंडित मणिराम जी मेरे गुरु, इनके साथ तबला बजाकर मैं तबला नवाज बन गया। अच्छा पंडित जी, संगीत के लिए आपके मन में लगाव कब पैदा हुआ? मैंने तो संगीत में ही अपनी आंखें खोली है। एक जिक्र मैं जरूर करूंगा हल्का कि मैं जब स्कूल में जाया करता था स्कूल पढ़ने के लिए, तो मैं एक ऐसे मार्ग पे आके खड़ा हो गया कि मेरे सारे रास्ते बंद होके एक ही दिशा पे चला गया। अच्छा। मैं जब स्कूल जाया करता था तो एक रास्ते में एक छोटा सा होटल था। अच्छा। उस पे उस जमाने की आज जमाने की बेगम अख्तर उस जमाने की अख्तरी बाई फैजाबादी उनका एक रिकॉर्ड था। हाँ। दीवाना बनाना है तो दीवाना बना दे वरना कहीं तकदीर तमाशा ना बना दे। छोटे से उस उम्र में पता नहीं क्या हुआ कि बस वहीं बैठे रहते थे, वहीं अपना टिफिन खाते थे और वापस चले आते थे। वो मेरा स्कूल बन गया। क्या बात है, इतनी कम उम्र में एक तबला वादक के रूप में आपको प्रसिद्धि मिल गई, फिर तबला वादक से आप गायक कैसे बन गए? मैं कुछ बताऊंगा, 3 घटनाओं ने मुझे इस तरीके से अंदर से हिला दिया कि मैं आज जो तुम्हारे सामने हूँ वो बस उन्हीं घटनाओं की देन है। एक घटना, मेरे बड़े भाई साहब का प्रोग्राम था, मुझे तबला बजाना था। हम लोग वहां पहुंचे, ये घटना लाहौर की है और आजादी के पहले की बात है। मैं जब मंच पे पहुंचा तो देखा कि वो हारमोनियम और तबला जो जैसे नाटक में होता है ना वो जमीन के अंदर घुसा देते हैं, दिखते नहीं हैं, पात्र ही दिखते हैं, वैसे तबला और हारमोनियम रख दी नीचे। मैंने जाके पूछा कि तबला कहाँ रखा है, तो उन्होंने कहा जी ओए थे और गड्ढे च पाया। मैंने कहा नहीं नहीं तबला तो साथ में होता है, तो उन साहब ने कहा ओए ओए तबले वाले दी मजा ले जे रागी दे नाल बह। इतना दुखित हुआ कि मैं उस दिन तबले पे भाई साहब की संगत कर ही नहीं सका, बाहर खड़ा खड़ा रोता रहा। और उसके दूसरे या तीसरे दिन एक और घटना घटी, वो ऐसी कि एक कोई बड़े साहब गाने के लिए आए, रेडियो में उनका प्रोग्राम था, हम लोग भी गए सुना। उन्होंने भीमप्लास गाई और उसका मुखड़ा कुछ यूँ रखा, हम लोग सभी गाते हैं आजकल, सगुना देते पिए आवन को कगवा। इसी प्रकार का कुछ उनका मुखड़ा था। तो बस दूसरे दिन एक सज्जन जो बड़े भाई साहब के बहुत मुंह लगे थे
आके कहा, पंडित जी अगर ऐसे बड़े कलाकार इस तरीके से भीमब्लास गाएंगे तो हम लोग क्या सीखेंगे। अचानक मेरे मुंह से निकला कि भाई ऐसे क्या गड़बड़ हो गई उसमें, आपको भीमब्लास कहाँ से गड़बड़ लगी। तो उन्होंने कहा कि धैवत पे मुंह खड़ा रख दिया। मैंने कहा नहीं भाई, अगर आप में गाने की काबिलियत है तो आप ऋषभ पे भी रख सकते हैं। तो उन्होंने झट से कहा, जसराज तुम चमड़ा पीटते हो, तुम्हें स्वर से क्या मतलब। मुझे इतनी तकलीफ हुई, इतनी कोफ्त हुई, मालूम होता जैसे किसी ने सैकड़ों कूड़े मेरे पीठ पे लगा दिया। बस हल्का, तुम यकीन मानो उस दिन हमने मन में पूरी तरह से ठान लिया कि मैं बनूंगा तो गवैया बनूंगा और कुछ नहीं बनूंगा। करते थे कान कहानी, उसका वो गाना आप गाते हो? कौन सा? सांवर मारा थी जी, सांवर मारा थी, वो भी तो गाते हैं। देखो तुमने तो हमारे रोम खड़े कर दिए, सच में वो गाना मैंने सिर्फ तुम्हारे लिए छोड़ दिया। तुम इतना सुरीला और इतना अच्छा गाती हो कि बस मैं तो उस शो में से एक ही गाना गाता हूँ अलका। अरे देखो फिर हम तो तुम्हें अलका ही अलका कहते जाएंगे और लोग सोचेंगे भाई क्या बात है, दुनिया के लिए तुम जरूर अनुराधा हो, हमारे लिए तो हमेशा अलका हो। अच्छा। हाँ वो शो की बात थी ना, मैं उसमें से वो गाना गाता हूँ, गाओगी? मारे सावर रंग राजे, मारे सावर रंग राजे, गया कुमतुड़ा राधा संगत, गया कुमतुड़ा राधा संगत, श्याम प्रीति जग साची, मारी सावरे रंग राजी, देखो रे चम चंबल गे
आनंद बापू और स्वामी वल्लभ दास जी का आप पर क्या प्रभाव पड़ा? सानंद बापू ये मेरे स्पिरिचुअल गुरु आप कह सकते हैं, जिन्होंने मुझे संगीत में भक्ति और काव्य की शक्ति इससे परिचित कराया। मैं एक बात आपसे कहना चाहूंगा कि मेरे गुरु जी पूज्य पंडित मणिराम जी, सानंद बापू और स्वामी श्री वल्लभ दास जी, इन तीनों का मेरे जीवन में इतना जबरदस्त प्रभाव है कि इनको तीनों को मिलाए बिना मेरा संगीत पूरा होता नहीं। पुनीत पद पंक जा श्री कामेश्वर आंक गा मन कोटि पारायण आपकी पत्नी मधुरा जी सुविख्यात निर्माता निर्देशक शांताराम जी की सुपुत्री हैं, है ना? हेलो अलका, कैसी है? देखिए, तुमने जिक्र किया और ये आ गई। लोगों का ये ख्याल है कि मैंने इनको गाना सिखाया, इन्होंने मास्टर नवरंग जी से गाना सिखाया, उस्ताद हाफिज अहमद खान से गाना सिखाया। बात ये है ना कि गाने बजाने का सारा काम मैंने आप पर छोड़ दिया है। ये तो बड़ी मेहरबानी है। नहीं, मेहरबानी क्या, ये हमारी ग्रैंडडॉटर है। ओह, लीजिए साहब, दुर्गा है। हेलो। ये मेरे साथ गाती है, मेरी बेटी है, अच्छा गा लेती है। शारण, सरिता जी, अरे भाई आओ, क्या कंपोज कर रहे हो? नमस्ते। नमस्ते। इनको तो तुम जानती हो, आजकल इनके बड़े चर्चे हैं, बड़े अच्छे म्यूजिक डायरेक्टर हैं। तुम्हें मालूम है ये शास्त्रीय संगीत और अपनी फिल्मी संगीत, ये जानना चाहूंगा, मुझे रिकॉर्डिंग चलता हूँ। जी दे रहा हूँ, डिस्टर्ब है। सरिता जा रही हो, तुम भी जा रही हो? हाँ। सुना है आपने संगीत क्षेत्र में गुरुकुल जैसी परंपरा चला रखी है, इसमें आप शिष्यों का चुनाव कैसे करते हैं? पहली तो बात यह है कि उसे संगीत का ज्ञान होना चाहिए और वो मेरे संगीत से परिचित हूँ।
पीढ़ी शास्त्रीय संगीत से हटकर फिल्मी तथा पाश्चात्य संगीत गजलों और गीतों की तरफ मुड़ रही है। ये संगीत के लिए बाधक नहीं? कदापि नहीं। ये तो जो पाश्चात्य संगीत या फिल्मी संगीत या गजल संगीत या जो भी कुछ हमारा भजन संगीत, ये तो सारे एक छोटे छोटे इंस्टीट्यूशन हैं, स्कूल हैं, जो कि हमारे सांगीतिक यूनिवर्सिटी तक पहुँचाते हैं। और सच पूछा जाए तो इसमें न जात है न पात है। Oh,